हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज के इस लेक्चर में, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा सेल्स पैरेलल कंबाइंड है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर सेल है, सीरीज कंबाइंड है, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम इक्विवेलेंट एक ऐसे सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस था। उसी तरह अगर सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं, दो से ज्यादा, दो तीन चार या एन नंबर ऑफ सेल्स अगर पैरेलल कंबाइन है, इन दैट केस व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द इक्विवेलेंट सेल, यानी उस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम एक इक्विवेलेंट सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस इक्विवेलेंट जो सेल है उसका ईएमएफ क्या होगा और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आज हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सो लेट अस कंसीडर करते हैं कि दो सेल्स हैं जो पैरेलल कनेक्टेड है। हमने कंसीडर किया कि दो सेल है हमारे पास, फर्स्ट सेल की ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेसिस्टेंस है R1। सिमिलरली सेकेंड सेल की जो ईएमएफ है दिस इज E2 एंड इंटरनल रेसिस्टेंस कितनी है R2। नाउ लेट अस कंसीडर कि करंट I जो है वो नेट सर्किट से विड्रॉ हो रहा है और दिस वन फर्स्ट जो सेल है हमारा जिसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, इससे करंट विड्रॉ हो रहा है I1 और सेकेंड सेल जिसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है, इससे करंट जो विड्रॉ हो रहा है दिस इज I2। अगर इस पॉइंट को हम A डिफाइन करते हैं और इस पॉइंट को हम B डिफाइन करते हैं, अब इस फिगर से हमें यह पता चल गया कि इस फर्स्ट सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी VAB, वही पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड सेल के क्रॉस भी होगा, दैट इज VAB, क्योंकि दोनों सेल्स के जो टर्मिनल हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सेम A और B पॉइंट से कनेक्टेड है। सो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का भी होगा, बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि पॉइंट सिमिलर पॉइंट पे कनेक्टेड है, सो ऑब्वियसली देयर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, यानी इन दोनों सेल्स के पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। नाउ लेट अस कंसिडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल, यानी फर्स्ट सेल का हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। VAB कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमने देखा था E1 EMF ऑफ द फर्स्ट सेल माइनस फर्स्ट सेल से करंट कितना विड्रॉ हो रहा है दैट इज I1 इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेल R1। सिमिलरली VAB अगेन, अगर हम सेकेंड सेल की बात करते हैं, ये हमने फर्स्ट सेल के लिए इक्वेशन लिखा, अब हम सेकेंड सेल की बात करेंगे, तो VAB यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकेंड सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल E2 माइनस करेंट जो कि सेकेंड सेल से विड्रॉ हो रहा है दैट इज I2 इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेल दैट इज R2। अब क्योंकि लेट अस कंसीडर करते हैं कि VAB जो पोटेंशियल है डिफरेंस है वो है VAB इज इक्वल टू V। अब इस इक्वेशन को हम और अगर स्टैंडर्ड करें तो हम देखेंगे फर्स्ट सेल के लिए क्या आया, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहां से अगर हम I1 की वैल्यू इवैल्यूएट करें, I1 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू यानी जो फर्स्ट सेल जो करंट विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ यानी सर्किट में दे रहा है दैट इज फर्स्ट सेल से जो करंट कंट्रीब्यूट हो रहा है दैट इज E1 माइनस V1 बाई R1। सिमिलरली अगर हम सेकेंड सेल के लिए लिखें दैट इज दिस सेल, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। अगर
नाउ इन दिस केस स्कोर इवेल्युएट करते हैं तो आई टू इज इक्वल टू क्या आएगा, ई टू माइनस वी बाई ई टू माइनस वी बाई आर टू. नाउ हमारे पास क्या है, आई वन करेंट हमें पता चल गया, आई टू करेंट पता चल गया. अब हम इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे. अब इस सर्किट से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आई वन करेंट इस सेल से आ रहा, आई टू करेंट इस सेल से आ रहा है और नेट करंट आई हुआ, यानी आई वन प्लस आई टू की वैल्यू जो करंट आई वो आई के बराबर हुई. नाउ हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू. अगर इस इक्वेशंस को हम यहां लिखते हैं आई इज इक्वल टू ई वन माइनस वी वन बाई आर वन प्लस आई इज इक्वल टू आई वन, दिस वन वैल्यू आई वन की हमने निकाल रखा है तो आई वन रखेंगे और सिमिलरली आई टू की वैल्यू हमने निकाल रखा है तो हम रखेंगे ई टू सॉरी यहां क्योंकि वी वन वी है तो हम इसको वी लिख सकते हैं ऑलरेडी, वी वन की कोई मतलब नहीं. सो हमारे पास क्या हो गया, आई इज इक्वल टू ई वन माइनस वी बाई आर वन प्लस ई टू माइनस वी बाई आर टू. अब हम अगर इस इक्वेशन को और रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा इस इक्वेशन को और हम अगर रीअरेंज करते हैं तो दिस इज आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू नाउ अगर फर्दर इस इक्वेशन को अगर हम और रीअरेंज करेंगे तो हम क्या देखेंगे, V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सेल के अक्रॉस, सो V इज इक्वल टू ये हमारा इक्वेशन हो गया. और इस इक्वेशन में यहां इस इक्वेशन को हमने और सिंप्लीफाई किया तो ये हमें मिला. सो फाइनली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस होल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज इक्वल टू ईवन ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेल प्लस ई टू ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल डिवाइडेड बाई द सम ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल दैट इज आर वन प्लस आर टू माइनस I into product of internal resistance of individual cell that is R1 into R2 divided by product sum of the internal resistance of individual cell that is R1 plus R2. Now, अगर इसको हम equivalent form में derive करें तो V is equal to E equivalent minus I R equivalent लिख सकते हैं. So finally हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दैट केस वी ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आ गई ई वन आर टू प्लस ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई यानी अगर हम दो सेल को पैरेलल कनेक्ट करते हैं जिसकी इंडिविजुअल ईएमएफ ई1 और इंटरनल रेसिस्टेंस आर1, ई2 और आर2, ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस है, इन दैट केस जो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो पूरे कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट सेल होगा इसको जो रिप्रेजेंट करेगा इक्विवेलेंट सेल उसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू ये निकाल सकते हैं. अगर इस कॉन्सेप्ट को हम और सिंप्लीफाई करें
इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो हम देखेंगे आर इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, एंड अगेन ई इक्विवेलेंट को हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का कि अगर दो सेल्स को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल, वो फॉर्मुला लिखा सकते हैं और इक्विवेलेंट ईएमएफ को लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अब जैसे कि हमने सीरीज में देखा था कि करंट पॉजिटिव प्लेट से ही विड्रॉ हो रहा था, अगर सेल ऐसे कनेक्टेड है कि कुछ सेल से पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है कुछ सेल से नेगेटिव प्लेट से निकल रहा है, यानी पोलैरिटी इंटरचेंज है, रिवर्स केस में है, तो हम नेगेटिव साइन यूज करते थे ईएमएफ के लिए। सिमिलरली इस केस में भी हम ऐसा ही करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये सेल से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और इस सेल से करंट ये कुछ इस तरह कनेक्टेड है कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सो ऑब्वियसली है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा I2, बिकॉज इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन, यानी करंट का डायरेक्शन अब चेंज हो गया। इन दैट केस हम इस इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल है उसकी फॉर्मूला सेम रहेगी, और जो इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए हम जो फॉर्मूला निकाल रहे थे इन दैट केस इट विल बी माइनस साइन। सो फाइनली अगर पोलैरिटी चेंज है सेल्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा फॉर्मूले में वो हमने देखा। सो इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर हमारे पास n सेल्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम n सेल्स की बात कर रहे हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, हमने देखा था n सेल्स सीरीज कनेक्शन में क्या एक नेट फॉर्मूला आया था, अगर n सेल्स पैरेलली कनेक्टेड है सो इन दैट केस व्हाट विल बी द नेट फॉर्मूला, सो हम लिख सकते हैं 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू अप टू 1 बाई आर एन। नाउ अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात हम करते हैं सो ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन बाई आर वन प्लस माइनस ई टू बाई आर टू, अगेन प्लस माइनस ई एन बाई आर एन। सो प्लस माइनस साइन किस केस में क्या लेना है ऑलरेडी क्लियर है, अगर करंट पॉजिटिव प्लेट से विड्रॉ हो रहा है मींस अगर करंट की डायरेक्शन इंटरचेंज है, मतलब एक पोल और दूसरे एक सेल्स है और दूसरा सेल्स की जो कनेक्शन है वो इंटरचेंज है पोलैरिटी, सो ऑब्वियसली जिस जो पोलैरिटी चेंज है उसमें हम माइनस कंसिडर करेंगे। सो इस लेक्चर में हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल अगर सेल कंबाइन है कई सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ में कैसे बदलेंगे। सो बेसिकली पूरे लेक्चर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देख लिया, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देख लिया, और इसको हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को फर्दर सर्किट में अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।